हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द वर्चुअल क्लास ऑफ ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ। स्टूडेंट्स दिस मच सेशंस व्हाट एवर वी हैव पास्ड अप टू नाउ दोज ऑल सेशंस वर बिलोंगिंग टू वन चैप्टर एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी हैज बीन कंप्लीटेड इन हिस्ट्री। सो अभी तक हमने जो प्रीवियस चैप्टर में सीखा वो क्या था कि 700 से लेकर 1750 सीई तक जो भी नए किंगडम्स इमर्ज हुए थे उसके बारे में हमने सीखा एंड द लास्ट किंगडम वॉज द चोला डायनेस्टी, राइट। उसके साथ वी ऑल्सो लर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑन द ऑर्डिनरी पीपल। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो थी उसकी सामान्य नागरिक के ऊपर क्या असर हुई थी ये भी हमने सीखा। टुडे वी विल लर्न अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिफरेंट एम्पायर। आज हम अलग अलग जो एम्पायर है, अब तक हम डायनेस्टी या फिर किंगडम देख रहे थे, आज हम अलग अलग एम्पायर के बारे में सीखना शुरू करेंगे जिसमें कौन कौन आता है, द दिल्ली सल्तनत एंड द सोर्सेज That tell us about Delhi Sultans. तो सबसे पहला एम्पायर जो हम सीखने जा रहे हैं वो है दिल्ली की सल्तनत, राइट। तो दिल्ली सल्तनत जो थी, राइट, उसके साथ हम ऐसे सोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो हमें दिल्ली के सुल्तान के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जो हमें बताएंगे दिल्ली सुल्तान के बारे में। तो सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था दिल्ली सल्तनत का वो हम देखेंगे। तो उसके लिए हम SB 12 और SB 13 के ऊपर यहाँ पे हमें जो दिया गया है कंसेप्ट टाइम 9 वो समझेंगे। सो एवरीबडी प्लीज ओपन योर SB और उसके अंदर SB 12 ओपन कीजिए हिस्ट्री के सेशन में और वहाँ पे कंसेप्ट टाइम 9 आप ओपन कीजिए, राइट। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दैट। 1 मिनट के लिए उसको पॉज करिए वीडियो को, अपना SB ले लीजिए, कंसेप्ट टाइम 9 ओपन कीजिए। सबसे पहले हम उसी को समझने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों ने SB खोल लिया होगा। सो इन द कंसेप्ट टाइम 9 इट इज सेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कैसे एस्टैब्लिश हुई, कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, कैसे शुरू हुआ, राइट, ये हम समझने जा रहे हैं, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट दिल्ली गेन्ड इंपॉर्टेंस एज अ पॉलिटिकल सेंटर ड्यूरिंग द 12th एंड द 13th सेंचुरी CE, राइट। 12th और 13th सेंचुरी जो थी CE, राइट, यानी कि 1100 से लेकर 1101 से लेकर 1200 तक का जो था उसे 12th सेंचुरी कहेंगे, फिर 1201 से लेकर 1300 तक था उसे हम 13th सेंचुरी कहेंगे, राइट। सो 1101 से लेकर 1300 तक का जो समय था, ये जो 200 साल था, यानी कि 12वीं और 13वीं जो सेंचुरी थी, राइट, उसमें एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल सेंटर बन गया था दिल्ली। इट फर्स्ट इमर्ज एज अ कैपिटल सिटी अंडर द तोमारा डायनेस्टी and continued to remain an important seat of power during the rule of Chahmana dynasty. Tomar dynasty से ये एक political city बना था, ये capital city बना था, right? और Tomar dynasty का सबसे पहले capital city बनने के बाद ये बहुत ही important city रहा है up to the rule of the Chahmana dynasty. Tomar dynasty से लेकर Chahman dynasty तक दिल्ली हैज बीन वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आज की तारीख में भी दिल्ली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आर गवर्निंग सिस्टम टू, राइट। सो दिल्ली का ये इंपॉर्टेंस है वो 12th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था जब तोमर डायनेस्टी थी, उसके बाद चामन डायनेस्टी आई, राइट, और उसके बाद भी दिल्ली हैज बीन ऑलवेज द पॉपुलर सिटी फॉर द पावर ऑफ कंट्रोल, राइट, सेंटर ऑफ द पावर एंड द सेंटर ऑफ द कंट्रोल, राइट। एक ऐसा सेंटर जिसे पावर माना जाता था, ऐसा सेंटर जहां से अपनी पूरी जो सल्तनत थी या फिर अपनी पूरी डायनेस्टी थी, राइट, उसको रूल किया जाता था। दिल्ली फ्लरिश्ड एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड अंडर द तोमार्स एंड द चाहमनास टिल द 12th सेंचुरी, राइट। 12th सेंचुरी खत्म हुई तब तक, 12th सेंचुरी खत्म हुई तब तक तोमार और चाहमनास इन दोनों के लिए, राइट, उनके रूल के नीचे दिल्ली एक बहुत ही बड़ा ट्रेड सेंटर भी बन चुका था। इन 1206 1206 में, यानी कि एट द वेरी मच स्टार्टअप ऑफ द 13th सेंचुरी, दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली जो है वो दिल्ली सल्तनत का कैपिटल बना, दिल्ली जो सिटी है वो दिल्ली सल्तनत का कैपिटल बना। द दिल्ली सल्तनत इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वेजन बाय अ टर्किश रूलर नेम्ड मोहम्मद घोरी। दिल्ली सल्तनत जो थी, राइट, वो तुर्किश रूलर था जिसका नाम था मोहम्मद घोरी, उसके आक्रमण की वजह से
दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। द टर्क्स इन्वेडेड इंडिया टाइम एंड अगेन टू प्लंडर द रिचेस ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जो टर्क्स थे, टर्क्स राइट, यानी कि जो टर्किश जो रिवर सॉरी टर्किश ये जो रूलर था मोहम्मद गोरी, उसके साथ जो वहां से लोग गए उसे हम टर्क्स के नाम से जानते हैं, राइट। तो टर्क्स लोगों ने इंडिया का जो टाइम था राइट वो इन्वेड किया, राइट, और उसके साथ अगेन टू प्लंडर द रिचेस ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और सब कॉन्टिनेंट जो है राइट उसके तक अपनी पहुंच बढ़ाई। द टाइमलाइन बिलो शोज द इमर्जेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन 1206 CE आफ्टर अ लॉन्ग एरा ऑफ रूल बाय द चाहमनास एंड द अदर डायनेस्टीज। नीचे जो टाइमलाइन दी गई है उसे हम अगर ठीक से समझेंगे, अभी टाइमलाइन तो सबको पता ही है क्या है क्योंकि हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं और इससे पहले के पार्ट में हम देख भी चुके हैं। तो ये जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन हमें बताएंगी, ये टाइमलाइन हमें बताएगी कि 1206 में दिल्ली सल्तनत जो शुरू हुई राइट वो कैसे शुरू हुई, कहाँ तक दिल्ली सल्तनत चली, और उसकी शुरुआत का जो टाइम था जब चामनास और अदर डायनेस्टी का रूल चल रहा था तब से दिल्ली कितना इंपॉर्टेंट है ये हम देखते हैं। सो हियर इज द टाइमलाइन फॉर यू। 800 CE से लेकर 1500 CE तक का समय दिखाया गया है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो यू कैन सी दिस ब्लू लाइन 800 CE टू 1100 CE तक का जो टाइम है, एट दैट टाइम द चोलास एंड द गुर्जर प्रतिहारास दे हैड द रूल ओवर दिस दिल्ली। सबसे पहले 800 से लेकर 1100 तक चोलास और गुर्जर प्रतिहारास जो थे उसका रूल चल रहा था। उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन लाइन आपको डॉट दिख रहा है, दैट इज 1100 के बाद दिल्ली बिकेम द कैपिटल सिटी अंडर द तोमास फॉर द फर्स्ट टाइम 1132-1145 CE। 1130 से लेकर 1145 के बीच दिल्ली सबसे पहला कैपिटल सिटी बना तोमा डायनेस्टी के अंदर, पहली बार तोमा डायनेस्टी के अंदर का वो कैपिटल सिटी बना। उसके अलावा एक लाइट ग्रीन लाइन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज स्टार्टिंग बिफोर 900 एंड एंडिंग अप टू 1200 राइट, एंड दैट लाइन इज शोन फॉर द पालास राइट। तो पालास जो थे उसकी डायनेस्टी चली थी 800 CE से लेकर 1200 CE तक। उसके बाद उसी समय से लेकर ऊपर आपको ग्रे लाइन दिख रही है, दैट इज एंडिंग आफ्टर 1400 एंड दैट इज द रूल ऑफ द चाहमनास 800 CE से लेकर 1400 CE तक। यहां तक ये लाइफ चली थी। 1206 यू कैन सी द पिंक लाइन इन द टाइमलाइन आफ्टर 1200 1206 दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ द सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का कैपिटल बना राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वही पिंक लाइन है उसमें दिखाया गया है अर्ली टर्किश रूलर्स मोहम्मद गोरी, सबसे पहला जो टर्किश रूलर इंडिया में आया था। उसके बाद एक लाइट कलर की लाइन में आपको 1300 CE के पास आपको जो बार दिख रहा है उसमें दैट वाज द खलीज जो रूलर आए थे वो जो थे 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद द रेड लाइन राइट 1300 के बाद से शुरू होकर 1400 के आसपास खत्म हो रही है, दैट वाज द तुगलक्स राइट। फिर तुगलक की डायनेस्टी आई, दैट वाज फ्रॉम 1320 CE टू 1414 CE राइट। उसके बाद द ब्लू लाइन राइट 1400 CE के बाद से शुरू होकर 1500 से पहले खत्म होता है, दैट इज द सैयद्स। उसके बाद द सैयद्स आए 1320 से लेकर 1414 CE तक। एंड उसके बाद द लास्ट लाइन राइट, सो इन दैट लास्ट लाइन इट इज द लाइट ऑरेंज कलर राइट विच इज स्टार्टिंग आफ्टर 1400 एंड एंडिंग अप टू 1500, दैट इज द लोडीज राइट। The Lodis, they came into 1451 CE and ended by 1526 CE. Right? So you can see the timeline. कैसे दिल्ली, ये timeline पूरी दिल्ली सल्तनत की है. Right? दिल्ली जो है वो capital के जैसे, not the सल्तनत, सल्तनत तो बाद में आया मोहम्मद घोरी के बाद. Right? लेकिन ये जो पूरा दिल्ली का capital point जो बना. Right? Why the Delhi was so important? How many people had ruled over Delhi as a capital? They took the Delhi as the capital city of the dynasty of the rule. Uska timeline humne abhi tak dekha. Right? Yahan pe ek information hume mil raha hai. The word sultan comes from an Arabic word. Word jo sultan hai, right? Sultan jo word hai, wo ek Arabic word mein se aata hai.
राइट, दैट मीन्स स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी। सुल्तान वर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति, और अथॉरिटी यानी कि अधिकार। राइट, शक्ति और अधिकार, ये एक सुल्तान का मीनिंग होता है। उसके ऊपर से सुल्तान यानी कि बादशाह, कि बादशाह के पास ताकत भी होती है और उसका अधिकार भी होता है। राइट, दैट्स हाउ द वर्ड सुल्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस। द दिल्ली सुल्तान्स वर द फर्स्ट मुस्लिम रूलर्स ऑफ इंडिया। दिल्ली सुल्तान जो बने थे, राइट, यानी कि मोहम्मद गौरी जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, वो इंडिया के अंदर सबसे पहले मुस्लिम रूलर्स बने थे। दे यूज द टाइटल ऑफ सुल्तान, उन लोगों ने सुल्तान का टाइटल यूज किया था। देयरफॉर, इसीलिए द पीरियड ऑफ द रूल इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत। इसीलिए उन लोगों ने बादशाह के लिए बादशाह या फिर राजा यूज नहीं किया, उन लोगों ने शहनशाह भी यूज नहीं किया, उसने यूज किया सुल्तान। राइट, उन लोगों ने राजाओं को दिखाने के लिए क्या यूज किया, एम्परर को दिखाने के लिए सुल्तान। राइट, तो सुल्तान का मीनिंग क्या होता है, अगेन हम रिपीट कर लेते हैं, सुल्तान का मीनिंग होता है द स्ट्रेंथ एंड द अथॉरिटी, यानी कि शक्ति, ताकत और अधिकार। राइट, तो ये सुल्तान वर्ड जो उसने यूज किया, इसके ऊपर से दिल्ली कैपिटल का नाम तब से पड़ा दिल्ली सल्तनत। राइट, सो दैट वॉज द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। नाउ वी आर नॉट एंडिंग येट, कंसेप्ट टाइम 9 इज स्टिल पेंडिंग, सो लेट अस टर्न द पेज एंड कम ऑन द SB 13। सो स्टूडेंट्स, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, कंसेप्ट टाइम 9 को। अंडर द दिल्ली सल्तनत देयर वॉज अ सिंथेसिस ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस। दिल्ली सल्तनत के अंदर हमें एक मिलाप देखने को मिलता था हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशंस, यानी कि हिंदू और इस्लामिक कल्चर का, उनके रीति रिवाजों का एक हमें मेल जोल देखने को मिलता था। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सिंथेसिस कैन बी सीन इन द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टाइम्स, वेयर एलिमेंट्स फ्रॉम इस्लामिक एंड हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर वर कंबाइंड। तो उस समय का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर था, यानी कि उस समय जो बिल्डिंग्स बनाई थी, अगर उसको हम ध्यान से देखें तो हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृति उस समय की सल्तनत में एक होती दिखेगी, कुछ मेल जोल, कुछ मिश्रण दिखेगा उसका। वी कैन सी द मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ द ट्रेडिशंस। कैसे पता चलेगा, अगर हम उस समय के स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पे एलिमेंट्स यानी कि कुछ जो पार्ट है वो इस्लामिक होगा और कुछ पार्ट है वो हिंदू टेम्पल का होगा, और इस्लामिक और हिंदू टेम्पल दोनों को मिला के एक आर्किटेक्चर बनाया जाता था दोनों के कॉम्बिनेशन से। लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले यू कैन सी द डोम एंड द आमलाका। राइट, आमलाका मीन्स द शिखर एंड द डोम इज द राउंड शेप ऑन अ टेम्पल और अ मॉस्क। यूजुअली द डोम्स आर फाउंड इन अ मॉस्क, यानी कि एक मस्जिद के ऊपर डोम पाया जाता है, लेकिन मंदिर के ऊपर एक शिखर, राइट, एक कलश पाया जाता है। तो अगर हम द तुगलकाबाद फोर्ट को देखें, राइट, द तुगलकाबाद फोर्ट बिल्ट बाय घियासुद्दीन तुगलक हैज अ डोम फ्रॉम इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड एन अमलका फ्रॉम हिंदू आर्किटेक्चर। तुगलकाबाद फोर्ट जो बनाया गया था घियासुद्दीन तुगलक के द्वारा, उसने इस फोर्ट को बनाते वक्त अपने फोर्ट के ऊपर एक डोम रखा जो एक इस्लामिक मोज़ेक, राइट, या फिर इस्लामिक मॉस्क जिसे हम कहते हैं, जो एक मस्जिद में पाया जाता है, राइट, और उसके ऊपर उसने शिखर रखा था जो हिंदू मंदिर में पाया जाता है, राइट, जिसे हम अमलका भी कहते हैं। सेकंड, द कुतुब मीनार। हु डजंट नो अबाउट द कुतुब मीनार, इट इज वेरी मच फेमस आर्किटेक्चर। द कुतुब मीनार इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेसिस ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस इन आर्किटेक्चर। अगर कुतुब मीनार को भी हम ध्यान से देखें तो वहां पे भी हमें मिक्सचर मिलेगा हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशंस का। एंड द थर्ड वन, अनदर एग्जाम्पल ऑफ हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्चर इज द टॉम ऑफ सिकंदर लोडी इन दिल्ली। दिल्ली में सिकंदर लोडी का जो टॉम है, राइट, वहां पे भी हमें यही कल्चर दिखेगा कि जहां पे दोनों संस्कृतियों को एक साथ लेकर चले, राइट। सो यू सी व्हाट हैपेंड। सबसे पहले तो दिल्ली के ऊपर बहुत सारे शासन हुए, राइट, दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ पावर, दिल्ली वॉज द सेंटर ऑफ कैपिटल फ्रॉम द स्टार्टअप ओनली, राइट, एंड दैट वॉज द हार्ट ऑफ इंडिया एंड एवरीबडी वॉन्टेड द पावर ऑन दैट, दैट्स वाई द डिफरेंट रूलर्स केम इन टू पावर्स, राइट, एंड दे रूल्ड ओवर दिल्ली। और उसके बाद द टर्किश जो रूलर्स आए,
right? Mohammad Ghori, right? He was the first Islamic ruler to rule on India. भारत देश में सबसे पहला इस्लामिक रूलर वो बना था, और उसके बाद से वी कुड सी द मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ द रिलीजियस, यानी कि वो सारे बिल्डिंग्स हम इस्लामिक है तो सिर्फ इस्लामिक बनाएंगे, ऐसा नहीं था. दे वर नॉट द रूलर्स लाइक दैट कि हम मुस्लिम है तो हम सिर्फ मुस्लिम ही बनाएंगे. इट वॉज नॉट लाइक दैट. दे एक्सेप्टेड बोथ द रिलीजियस वेरी वेल एंड एट एन एवरेज लेवल. दोनों रिलीजियस को उसने बहुत ही अच्छे से समझा और एक साथ उसने दोनों को स्वीकार किया. तभी जितने भी आर्किटेक्चर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो सारे आर्किटेक्चर्स में कुछ पार्ट जो हैं वो इस्लामिक ट्रेडिशन के होते हैं, उसके साथ साथ कुछ पार्ट ऐसे भी है जो हिंदू ट्रेडिशन से होते हैं. एंड दैट इज हाउ इट कैन शो द सिंथेसिस ऑफ बोथ ऑफ द ट्रेडिशन. हाउ ब्यूटीफुल इज इट, इजंट इट, राइट? सो स्टूडेंट्स, दैट वॉज द पार्ट ऑफ द स्टडी. नाउ अगर हम दिल्ली की बात करें, जब हमारे दिमाग में नाम आता है दिल्ली, राइट, तो बहुत सारी सोच हमारे दिमाग में आ जाती है, राइट? तो दिल्ली क्यों इतना फेमस है? व्हाई द दिल्ली सो फेमस, राइट? सो वी ऑल नो दैट दिल्ली इज फेमस फॉर बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली बहुत ही फेमस है, किस लिए? बिकॉज इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. बट डिड यू नो इट वॉज नॉट ऑलवेज द कैपिटल? बट क्या आप जानते हो कि हमेशा से ये कैपिटल नहीं था? देर वॉज नो मेंशन ऑफ दिल्ली एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर टिल द 11th century के एंड तक, यानी कि 1100 CE तक दिल्ली का एक इंपॉर्टेंट सेंटर के नाम से कभी नाम लिया नहीं गया हिस्ट्री में. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिल्ली इमर्ज एज अ सेंटर ऑफ इंपॉर्टेंस इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 12th century. तो अभी हम ये समझेंगे कि 12th century के अर्ली पार्ट के अंदर दिल्ली इतना इंपॉर्टेंट प्लेस क्यों बना, कैसे बना, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू understand the emergence of Delhi as the center of power in the medieval period in detail. Abhi hum detail mein samjhenge ki Delhi jo hai wo center of power kaise bana medieval age ke andar, right? Uske liye 3 se 4 minute ka ek video play hoga, right? Try to listen and understand that video properly, right? So here I am playing the video for you. Part of India's history. Let us
us recap what we have learned. Delhi was made the capital city by the Tomar Rajputs in the 11th century. Under the Chauhans, Delhi emerged as an important commercial center by the 12th century. During the Sultanate period in the 13th century, Delhi became the most important political center in the country. Today, Delhi is the capital of India and has thus remained an important political center even in the 21st century. Bye-bye and happy learning. So students, as we saw in this video, the Delhi Sultans were partly responsible for the rise of Delhi as the seat of power in medieval India. Delhi ke jo sultan the, wahi ek ke baad hi partly responsible the, right? Part wise part, wo bhi utne responsible the ke jiski wajah se Delhi jo thi, ek medieval India ke andar the seat of power, yani ki ek aisi rajgaddi ban gayi jahan se main power source hota tha. Right? So, ये सारे सुल्तान्स की बदौलत ये इतना पावरफुल बना था और उसके बाद हमने ये भी देखा दैट वहां से लेकर आज तक दिल्ली का इंपॉर्टेंस उतना ही है एंड करंटली ऑल्सो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया राइट बट हाउ डू वी नो अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स एंड द रूल दिल्ली सुल्तान ने क्या किया उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत तो देखा कि चलो भाई उन लोगों ने कुतुब मीनार बनाया ये फोर्ट बनाया वो फोर्ट बनाया राइट वो सब हमने भी वीडियो में देखा ही है राइट वो आए थे उन लोगों ने शासन किया ये भी हमें पता है लेकिन उसके बारे में हमें शॉर्ट शॉर्ट पता कैसे चलेगा राइट कैसे हमें पता चलेगा कि वो दिल्ली सुल्तान कौन थे कैसे थे उसका रूल कैसा था वी नो सो मच अबाउट द दिल्ली सुल्तान थ्रू हिस्टोरिकल सोर्सेस हिस्टोरिकल सोर्सेस यानी कि हिस्ट्री के जो सोर्सेस है उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दिल्ली सुल्तान के बारे में बताती है बहुत सारी चीज़ें दिल्ली सुल्तान के बारे में उन हिस्टोरिकल सोर्सेज की मदद से समझते हैं राइट तो अभी ऐसे ही कुछ सोर्सेज के बारे में हम समझने जा रहे हैं एंड दे आर द हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ द सल्तनत सल्तनत के दौरान के हिस्टोरिकल सोर्सेज जो थे उसके बारे में अभी हम सीखने जा रहे हैं सो कैन यू आइडेंटिफाई दिस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री के ये जो सोर्सेज है क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे राइट यू कैन सी सर्टेन बोन यू कैन सी द आर्किटेक्चर राइट यू कैन सी द पेपर जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है यू कैन सी दिस हैमर काइंड ऑफ द वेपन और द टूल वी कैन से यू कैन सी दिस पर्टिकुलर अनइवन कॉइन तो क्या इन सब चीजों को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे सो दिस बोन्स आर द एनिमल बोन्स ये जो बिल्डिंग है उसे हम कहेंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स फिर ये जो कॉइन है उसे हम कॉइन्स कहेंगे फिर स्टोन टूल्स राइट और लास्ट में जो लिखा हुआ है उसे हम कहेंगे पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स राइट वी कैन आइडेंटिफाई ऑल ऑफ देम दिस ऑल आर द सोर्सेस सो विच फॉर्म विच ऑफ दिस फॉर्म Which of these inform us about the Delhi Sultanate? इनमें से कौन सी चीज़ हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में बताएगी एनिमल बोन्स है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स है स्टोन टूल्स है या फिर कॉइन्स है दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें कौन बताएगा राइट तो उस समय के कॉइन्स उस समय के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एज वेल एज पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स है इन तीनों चीज़ों की मदद से हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में और जानने मिलेगा राइट सो सबसे पहले जो पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसे ही हम देखते हैं उसे तवारीख के नाम से भी जानते हैं द पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स विच आर ऑल्सो नोन एज द तवारीख द वर्ड तारीख मीन्स हिस्ट्री इन पर्शियन पर्शियन के अंदर तारीख जो शब्द है उसका मतलब होता है इतिहास हिस्ट्री मैनी तवारीख अगर उसे बहुवचन किया जाए प्लूरल किया जाए तो तारीख का बनता है तवारीख मैनी तवारीख वर रिटन इन द सल्तनत कोर्ट्स सल्तनत की अदालत थी सल्तनत का दरबार जब भरता था उसके दौरान बहुत सारी ऐसी तवारीख यानी कि बहुत सारे ऐसे इतिहास लिखे गए थे द तारीख ए फिरोज शाही इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हिस्टोरिकल सोर्स द तारीख ए फिरोज शाही जो है वो एक एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल सोर्स का कि जिसके कुछ सैंपल्स आपको यहाँ पे नीचे स्लाइड में दिख रहे हैं सो द क्वेश्चन अराइजेस हु रॉट तवारीख पहला क्वेश्चन आता है तवारीख कौन लिखता था सो द एजुकेटेड मैन हु वर प्रेजेंट इन द सुल्तान्स कोर्ट्स दो लोग लिखते थे सबसे पहले ऐसे पढ़े लिखे इंसान के जो सुल्तान के हर एक दरबार में हाजिर रहते थे प्रेजेंट रहते थे
सेकंड, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, कोएट्स एंड कॉर्टियर्स. सुल्तान के सेक्रेटरी, उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स, उसके कवि और उसके दरबारी, ये लोग भी तवारीख लिखते थे. एंड व्हाई डिड दे राइट, क्यों लिखते थे? दे वर मोस्टली रिटन टू प्लेस किंग्स. ज्यादातर ये जो तवारीख है वो जो बादशाह था, जो सुल्तान था, उसको प्रेज करने के लिए, यानी कि उसकी तारीफ करने के लिए, उसको खुश करने के लिए ये सारी चीजें लिखी जाती थी. सो अगर आपके पास पेज नंबर 33 है एनसीईआरटी बुक का तो आप उसको रीड कर सकते हो. अगर नहीं है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन है, वेर तवारीख रिलायबल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, वाई और वाई नॉट. इसका आंसर जैसे ही हम देखेंगे, पेज नंबर 33 हमारा कवर हो जाएगा. सो द आंसर इज हियर. तवारीख वर इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या क्वेश्चन क्या था कि क्या तवारीख जो थी तो क्या वो हिस्ट्री के रिलायबल सोर्सेस थी? क्या उसके हिसाब से हम हिस्ट्री का अंदाजा लगा सकते, क्या उसे हम विश्वास पात्र सोर्स कहेंगे? राइट, अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों नहीं. तो यहां पे हमें आंसर दिया गया है दैट द तवारीख वर इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. तवारीख जो है वो इंफॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट सोर्सेस थे, बट नॉट कंप्लीटली रिलायबल, लेकिन 100% रिलायबल नहीं थी. क्यों? क्योंकि दे रिकॉर्डेड लिटल अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. हमने पहले ही देखा कि तवारीख जो थी वो क्यों लिखी जाती थी, बादशाह को खुश करने के लिए, उसकी खुशामद के लिए. तो उसमें कॉमन लोग जो थे, ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य जो लोग थे, उसके बारे में ज्यादा कवर नहीं किया गया था. राइट, सामान्य लोगों के जीवन के बारे में ज्यादा उसमें लिखा नहीं था, बहुत ही कम लिखा था. दूसरा, दे रोट हिस्टोरियंस फॉर द किंग्स. राइट, दे रोट हिस्ट्रीज फॉर द किंग्स. राजाओं की हिस्ट्री उसने लिखी थी. देयरफॉर दे डिड नॉट से एनीथिंग बैड अबाउट द किंग. वो राजा की हिस्ट्री लिखते थे, इसीलिए उन लोगों ने राजा को खुश करने के लिए लिखा था. तो राजा की सारी अच्छी बातें उसमें बताई थी, लेकिन राजा की कोई बुरी बातें उसमें बताई गई नहीं थी. तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स तो जरूर है, लेकिन वो 100% रिलायबल, 100% विश्वास पात्र नहीं हो सकता. राइट, उसके बाद पेज नंबर 32 पे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है द सर्कल ऑफ जस्टिस. उसके हिसाब से एक क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स? तो क्या सर्कल ऑफ जस्टिस जो है वो एक प्रॉपर टर्म है कि जो सब्जेक्ट्स, यानी कि राजा जो जजमेंट देते थे, राइट, तो किंग और किंग के सामने वाले जो थे उसे सब्जेक्ट्स के नाम से जानते, तो उनके बीच का रिलेशनशिप क्या वो अच्छे से दिखाता है? राइट, अगर है तो यस, आई थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस इज एन अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द फॉलोइंग रीजंस. राइट, हमें लगता है कि सर्कल ऑफ जस्टिस जो है वो एक प्रॉपर टर्म है, एक प्रॉपर शब्द है. राइट, नीचे के रीजन की वजह से. पहला रीजन, इट शोज दैट किंग्स, सोल्जर्स एंड पीजेंट्स कुड नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर. सर्कल ऑफ जस्टिस में सबसे पहले यही दिखाया गया है कि राजा, सिपाही और मजदूर एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर. सेकंड, दिस ग्रुप्स ऑफ पीपल कैन सर्वाइव ओनली व्हेन द किंग इज ऑनेस्ट एंड एनश्योर्स जस्टिस इन हिज एम्पायर. ये लोग तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब राजा ऑनेस्ट है और अपने एम्पायर में, अपनी पूरी सल्तनत में वो जस्टिस को एंश्योर करता है. उसके बाद पेज नंबर 33 है जिसमें व्हाट मिनहाज आई सिराज थॉट अबाउट रजिया, ये टॉपिक है. राइट, उसके हिसाब से दो क्वेश्चंस निकलते हैं, उसका आंसर क्या होगा? तो उसका पहला क्वेश्चन निकलता है, डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफ तवारीख वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन? क्या आपको लगता है कि तवारीख जो है वो इंफॉर्मेशन देगा ऑर्डिनरी लोगों के जीवन के बारे में? तो हमने पहले ही दिखा कि नहीं, द ऑथर्स ऑफ तवारीख वुड नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन. वो नहीं बताएगा सामान्य लोगों का जीवन कैसा था. दे लिव इन द किंग्स कोर्ट्स एंड पैलेसेस. राइट, वो किंग के कोर्ट और पैलेसेस में रहते थे. दे स्पेंड देयर टाइम प्रेजिंग द किंग एंड अदर पैट्रॉन्स. राजा और अन्य जो उसके देशभक्त थे, राइट, उसकी तारीफ करने में ही वो अपना टाइम स्पेंड करते थे. दे हैड लिटल इंटरेस्ट इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन. तो जो तवारीख लिखते थे उसको बहुत ही कम इंटरेस्ट था सामान्य लोगों के जीवन के बारे में. दूसरा क्वेश्चन आया था, रजिया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत. रजिया सुल्तान जो थी
वो दिल्ली सल्तनत में सबसे अलग थी। डू यू थिंक वीमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडीली टूडे? क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में वीमेन जो लीडर होती है राइट उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया जाता है? तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? रजिया सुल्तान वॉज अ 13th सेंचुरी वुमन रूलर। 13वीं सदी के अंदर एक वुमन रूलर थी रजिया सुल्तान। सम पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ हर बिकमिंग द रूलर। कुछ लोगों को उस समय रजिया सुल्तान का रूलर बनने का आइडिया पसंद नहीं आया था, बिकॉज क्योंकि शी वॉज अ वुमन, क्योंकि वो एक स्त्री थी। बट यस, हाँ, टुडे वुमन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडीली, लेकिन आज की तारीख में वुमन लीडर को हम जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज की तारीख में गवर्नमेंट बॉडी में भी हमें बहुत सारी वुमन एक्टिवली पार्टिसिपेट करती दिख रही है। राइट, सो यहाँ तक का कंटेंट हमें आज के दिन में समझना था। राइट, सो दैट वॉज द सेशन फॉर टूडे गाइज। अभी आज का होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 जो है, राइट, लेट मी ओपन इट फॉर यू गाइज, जस्ट अ मोमेंट। SB 13 के ऊपर जब हमने कंसेप्ट 9 खत्म किया, उसके नीचे ही आते प्रैक्टिस क्वेश्चन 7, तो उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7.1 जो है, द 9SC अंडर विच दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल सिटी, द टर्किश रूलर हु इन्वेडेड दिल्ली एंड डाइड इन 1206, राइट, द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान हु बिगेन हिज रूल इन 1206, राइट, एनी 3 डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये सारा हमने टाइमलाइन में देख लिया है, तो ये आंसर देना है। इसके अलावा इमेजिन यू आर रजिया सुल्तान, राइट अ रिस्पॉन्स टू मिनाज आई सिराज थॉट्स एज अ क्वेश एज अ क्वींस रूल इज अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। राइट, तो ये आपको अपने आप से लिखना है। मिनाज आई सिराज जो था उसने ये कहा था कि रानी का जो शासन है वो भगवान ने जो सोशल ऑर्डर बनाया है उसके खिलाफ, खुदा ने जो सोशल ऑर्डर बनाया है, रूल सिर्फ मेल को ही करना चाहिए, ऐसा मिनाज आई सिराज ने कहा था। तो अगर मान लो आप रजिया सुल्तान होते तो उसको कैसे जवाब देते, वो आपको लिखना है, जिसके लिए राइटिंग की टिप यहाँ पे दी गई है। तो ये दोनों क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे होमवर्क में लिख के भेजना है। सो आशा करता हूँ आज का टॉपिक और आज के क्वेश्चन सब आपको समझ में आ गया होगा। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन गाइज। आई सी इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन इट्स टाइम टू से गुड बाय। सो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर होमवर्क। थैंक यू।